a play, beautiful play by William Shakespeare. And the play is Kachuta. Right. So Kachuta Palace की मैंने आपको समय भी बताई थी. तो किस तरह से एक event शुरू होते हैं और हमारा जो city है, it's a beautiful city, जो पेटली में है, वेनिस उसका नाम है. और वहाँ का एक मर्चेंट है जिसका नाम है एंटोनी. वहाँ से स्टोरी शुरू होती है और किस तरह से प्रोग्रेस करती हुई और एंडिंग कितनी इंटरेस्टिंग फॉर्म में होती है, ये उस दिन हमने डिस्कस किया. और मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें. एंटोनियो है, एसिनियो है, रोगालिजो है, जेसिका है, नेरेसा है, शाइलॉक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओशिया. ओशिया फीमेल कैरेक्टर है उसका और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कैरेक्टर की इतनी खासियत है कि फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि हम उस पर एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा सकते हैं. तो फीमेल हमारी वो लीड कैरेक्टर है प्ले का. और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि शेक्सपियर ने जब प्ले एनेक्ट कराने शुरू किए ग्लोबल थिएटर में तो पेट्राइकल सोसाइटी थी और तब ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि जो लड़कियां हैं वो स्टेज पर आकर रोल करें. तो जो मेल कैरेक्टर्स होते थे वही फीमेल के रोल्स को एनेक्ट करते थे. तो इस तरह के पेट्राइकल सेटअप में, पेट्राइकल सेटअप क्या होता था, जहाँ पर मेल डोमिनेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन लेता है घर में, मेल लेता है. तो पेट्राइकल सोसाइटी में शेक्सपियर ने जब ये प्ले लिखा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण उसने पोर्शिया के कैरेक्टर में भरे हैं, तो क्रेडिट किसको जाता है, शेक्सपियर. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर जिस पब्लिक के लिए प्ले लिख रहे थे वो कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करती थी, पेट्राइकल सोसाइटी. तो ऐसे में हीरोइन को इतनी सारे गुण दे देना, इतनी अच्छी क्वालिटीज दे देना कि वो हीरोइन होते हुए भी उसकी क्वालिटीज क्या है, हीरो की है. तो पूरा प्ले जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा आप महसूस करोगे कि हर स्टेज पे पोर्शिया का कैरेक्टर अलग ढंग से नजर आता है. तो क्या क्वालिटीज हैं हमारी इस प्ले की हीरोइन की, तो इनकी प्ले की हीरोइन कौन है, पोर्शिया. हमेशा आपके इसका नाम याद रखना है. सो यू कैन लुक आउट दिस पिक्चर, कैसी लग रही है ये पोर्शिया, बहुत खूबसूरत. तो पहला इसका एट्रीब्यूट है, इसके कैरेक्टर की विशेषता क्या है कि ये बहुत ही, शी इज वेरी ब्यूटीफुल आउटवर्डली भी, बाहर से भी और अंदर से. उसकी इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि वो सिंपैथेटिक है, एम्पैथी शो करती है, बहुत हेल्पिंग है, बहुत लविंग है.